आ रहा हूँ मैं। हम वार्ता करना चाह रहे हैं, आलाकमान के पास जाएंगे और बताएंगे सच क्या है। अब ये जो पैसा हुआ है, क्या मामला था, इस पर आप थोड़ा सा विशेष बात कर लेते थे। पैसा अब 46 लाख में सरकार ने दी, जांच चल रही है, सामने आने दीजिए, पता चल जाएगा कहाँ का पैसा है, किसका पैसा था, कहाँ का पैसा था। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि बोले भी खराब लगता है कि 46 लाख सरकार गिरा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं, रग रग में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हम लोग दिन रात भाजपा को गाली देते हैं, हमारे खून में कांग्रेस है। मेरे पिताजी याद रखिए, जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ था ना, जब ये लोग भाई ध्वस्त कर दिया, शहीद कर दिया था बाबरी मस्जिद को, तब मेरे पिताजी को भी कहा गया था कि कांग्रेस छोड़ दीजिए, एकमात्र सीट जीते थे वही कुदाम साहब, कांग्रेस नहीं छोड़ा उसने, मैं उनका बेटा हूँ, याद रखिएगा। कोई प्रॉब्लम आता है चला जाएगा, ये जीवन में कोई पाप किए होंगे जिसकी सजा मिली मुझे, हम तीनों विधायकों को इतना जरूर कहूँगा कि सरकार मजबूती के साथ है। तीनों विधायक जिसने आरोप लगाया, मैं उनसे जरूर कहूँगा ये बात, हम लोग तीनों आपके साथ हैं भाई, द्वेष में काम नहीं होता, छोटा कोई गलती करता है तो हम लोग के लिए, हम लोग बड़े हैं। देखिए आलाकमान पर मैंने पहले भी कहा था, मुझे बहुत विश्वास है सच की जीत होगी। बड़े नेताओं को गुमराह किया गया, मैं अल्पसंख्यक हूँ, 18% हमारा अंसारी बिरादरी झारखंड में है, मैं एकमात्र इकलौता नेता हूँ, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, नेहा तिर्की मैं, हमारी बेटी है वो, उसने शायद कोई मामला हम पे दर्ज कर दिया, मैं नहीं जानता था, ओबीसी जो है AIM जो है, आपने देखा होगा मैंने उनसे दुश्मनी ले लिया अपनी बेटी को जिताने के लिए, और ये इंसाफ मुझे दिया गया, अच्छा नहीं लगता। मैं मिलूंगा अपनी बेटी से, मिलूंगा, हो सकता है किसी की बैकग्राउंड में आ गई हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अनूप सिंह, 1 साल से मेरी वार्ता नहीं हुई, 1 साल से मैं बात नहीं करता हूँ उससे, फिर मैंने कब उससे बात कर लिया, कब मैंने उसको ऑफर दे दिया कि कहीं ना कहीं मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए साजिश का शिकार मैं बनाया गया है, और मुझे पूरा विश्वास है, मैं बात किया हूँ आलाकमान से ही, मेरे बात कर रहा हूँ आलाकमान को, मुझे पूरा विश्वास है सच्ची जीत होगी। तमाम आवाम से मैं कहना चाहता हूँ, मैं एरिया नहीं जा पा रहा हूँ, आज कई सैकड़ों मरीज हमारे कष्ट में हैं, हमें खोज रहे हैं, हमें याद कर रहे हैं, मैं मदद करता हूँ, और वो लाचार हो गए। 5 तारीख को विशेष सत्र बुलाया गया है, आप किसके साथ? मैं 5 तारीख को मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, मैं सबसे पहला वोट हमारे डायनेमिक CM हेमंत जी को मैं दूंगा, मैं कहना चाहता हूँ भाजपा जो सपना दिखती है, हेमंत सोरेन जी के साथ हूँ, तीनों विधायक हमारे हैं, हम लोग हेमंत जी को पहला वोट हम लोग करेंगे, पहला वोट हम लोग हेमंत जी को करेंगे, हम लोग हेमंत जी के साथ थे, हैं, अजीवन भर हैं। तो इल्जाम जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता तब तक वो इल्जाम नहीं रहता, और प्रथम दृष्टिया इसे सरकार की छवि, इसे हमारी पार्टी की छवि, एक दूसरे में जो अविश्वास का जो भाव है वो प्रकट होती है, पार्टियां एक दूसरे को जोड़ने का, देखिए अंदर खाने कुछ भी हो, हमारा किसी के साथ बनता हो ना बनता हो दूसरी बात है, लेकिन वो मीडिया में, बाहर में वो जो मनमुटाव जो है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, और उस मनमुटाव को लेकर के ये वो रूप नहीं दिखना चाहिए कि पार्टी में विखंडन है, पार्टी में एकजुटता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप खोजते इतने दूर आए हैं, मैंने जो एक छोटा, मैं किसी के ऊपर में कोई आरोप प्रत्यारोप करना नहीं चाहता, मैं इतना जरूर चाहता हूँ आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी विश्वास करें, हम तीनों विधायक सरकार के साथ खड़े हैं, आज भी मैं माननीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं
हमारे जो प्रभारी हैं, हमारे जो सीएमपी हैं, विश्वास करें आज भी हम पार्टी के सिपाही हैं। मैं आदरणीय आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूँ, विश्वास का जो धैर्य है उसको हमें नहीं खोना चाहिए, और विश्वास तब तक कायम रखना चाहिए जब तक कोई दोषी वाद ना हो। हमको अवसर दीजिए, यहाँ वो परिस्थिति हमारे साथ में नहीं है, हमारे साथ में आज हम भय का वातावरण में जी रहे हैं, ना जाने यहाँ पे कौन क्या कर देगा, ना जाने यहाँ पे फिर हमको किस केस में उलझा देगा, ये तमाम चीज़ है। आज के तारीख में मैं किसी से कोई गिला सकता नहीं, यहाँ की मैं अगर बात करूँ, अगर बंगाल गवर्नमेंट की भी बात करूँ, तो कानून को जो करना था उनको उनको जो प्रथम दृष्टिया जो करनी चाहिए, मुझे सिकुआ शिकायत नहीं, लेकिन इस बात की भी मैं जरूर अपेक्षा रखूँगा पार्टी से और सरकार से कि अगर आपका परिवार परिवार में अगर गलत फहमियाँ होती हैं तो उनको दूर किया जाता है, परिवार से उसको निष्कासित नहीं किया जाता। आपको अगर गलत फहमियाँ हैं हमारे साथ में, आप हमारे साथ में वार्ता करें। मेरा विधानसभा क्षेत्र ईसाई समुदाय क्षेत्र है, वहाँ 67% ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तरफ से अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? अनुशासन तो निश्चित तौर पर हर मनुष्य के लिए जरूर है, बिना अनुशासन के कोई भी आदमी सच्चाई तक या जीत तक नहीं पहुंच पाएगा। 22 दिन के बाद जब आपको जमानत मिला तो आपको कैसा महसूस हुआ, वो पल जो बिताए आप? यह एक सच्चाई की जीत हुई, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि हम 6-7 महीने के लिए जेल में रहेंगे, हमें बता रहे थे, और हाईकोर्ट का कमेंट और हाईकोर्ट का द्वारा बेल दिया जाना हमारे उत्साह को बढ़ाना, हमें धैर्य को मजबूती प्रदान किया, तो इसलिए हम बेल को कह सकते हैं कि न्याय की जीत है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे स्पष्टीकरण पूछा था, मैंने कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण दिया हूं, और उसी क्रम में मैंने हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो वहां बैठक किया गया था खेल आयोजन के लिए 26 तारीख को, उसी का ये पेपर मीटिंग का प्रोसीडिंग है, यहां पर प्रस्ताव लिए गए हैं और यहां पर प्रस्ताव लिया गया है, यहां पर सिग्नेचर है, और ये 27 तारीख का प्रभात खबर का यहां पर कटिंग, जिसमें कि उन सभी चीजों के प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने अखबार में दिया था, या इस बात का प्रूफ है कि मैं जर्सी साड़ी और फुटबॉल लेने के लिए कलकत्ता आया था।